लड़की कौन है? कौन लड़की? वही जिसके चक्कर में आप मुझसे दूर दूर रहते हैं, अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल नहीं करते। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है, दर्द देती हूँ मैं, सहती नहीं। तुमने मुझे अब तक रमेश के बारे में कोई खबर नहीं दी। कुछ पता चला उसका? हम कोशिश कर रहे हैं बाबा, जल्दी उसका पता चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे बाबा, तो घर की सफाई हो रही है, पति देव ने कहा होगा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं खुद ही कर रही हूँ। फिर अच्छा है, पति अगर कोई काम कहे ना तो उसे एक बार में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उनको ऑर्डर देने की आदत पड़ जाती है और फिर हम पत्नियां बन जाती है घर की नौकरानियां। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते। बाहर कहाँ? अरे बाबा, बाहर मतलब बाजार। पर मैंने उनसे इजाजत नहीं है। अब बाजार जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे बाबा, ये क्या है? चाबियां। चाबियां नहीं, घर की चाबियां कहो। चाबियां हमारे पल्लू से क्यों बंधी होती है? क्योंकि हम औरतें इस घर की मालकिन होती है और मालकिनें इजाजत लेती नहीं है, इजाजत देती है, समझी? चलो अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। ठीक है। हाय, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये वही इलाका है क्या? जी हाँ, ये वही मोहल्ला है जहाँ रमेश रहता है, लेकिन रहता कहाँ ये पता? आज इस रमेश के बच्चे को ना ढूंढ के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ बिल्कुल। लगता है कि ये औरतें इसी इलाके में रहती हैं। इनसे जरा पूछो कि यहाँ कोई रमेश नाम का आदमी रहता है क्या? मैं अभी पूछता हूँ। सुनो, उनसे कहना कि पेशे से वकील है। मेरी दुल्हन के घर में मेरे साइज के पीड़े नहीं मिले तो ब्याह की कोरे हो बे। और इस छोटे से मानुष को उठाने के लिए और बिठाने के लिए इतने सारे मानुष नहीं मिले तो? मैं क्या बताऊं तुम्हें गौरव? देखिए, एक बात पूछना था, ये कि हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। है? इस भरे पूरे बाजार में तो हम ही दो लोग हैं और तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। है? अब देखिए, ऐसी बात नहीं है, वो मैंने सोचा कि यही सोचा होगा कि बात
करके देखते हैं, अगर बात बन गई तो बातें करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए आप समझ ही नहीं रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत। अरे पापा चलो। अरे पापा छोड़ी ना दीदी, चलिए। नहीं कोमला, इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पता है तुम्हें, आज के बाद किसी भी औरत से उलझने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। मेरे प्यारे दादा, मेरे अच्छे दादा, ओ दादा रे, तुम्ही खाओ रे। अरे बॉश भी करो, और कितना खिलाओगे? या दादा, तुम तो हमको खाने को बोल ही नहीं रहा है, खुद ही खा रहा है। खाओ 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 खाओ। अरे तुम भी खाओ। बस दादा आप खाओ। अरे भाई क्यों नाराज हो रहे हो? नाराज नहीं दादा, आपने बोला हमने खाया। अरे माना कि मैं कानून के दाव पे जानता हूँ, उनकी जानकारी रखता हूँ, लेकिन बातें बनाना और उसे करना तो कोई तुमसे सीखे। दादा ये सब आपकी शोभत का शर है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो दादा। तुम हेम को अपने तरीके से समझाओ, उसकी परेशानी, उसका दर्द मुझसे अब देखा नहीं जाता, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि उसका मन पेंटिंग में भी नहीं लग रहा है। मैं खुद भी ये महसूस कर रहा हूँ दादा। और देखो तुम तो जानते हो कि जिंदगी ऐसे तो चल नहीं सकती, उसे किसी मुकाम या मंजिल की जरूरत होती है, और वैसे भी कोई जिंदगी पुराने केस तो है नहीं कि फैसला हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। और आजकल मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। दादा मुझे भी आपसे शिकायत है, और वो जिंदगी भर रहेगी। क्या आपने कभी भी अपने सगे भाई को अपना समझा ही नहीं? तुम फिर शुरू हो गए ना? क्यों ना शुरू, सच बोलता हूं, जो महसूस करता हूं वो बोलता हूं। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, इनकी दुख तकलीफ मैं दूर करूंगा। जैसे मैं आपकी गांव की जमीन जमींदारी संभाले हुए, वैसे ही मैं इस घर को संभालूंगा, आप चिंता मत करो। समझा दादा? ठीक। और हाँ, मुझे एक तुमसे जरूरी बात करनी थी। अब मेरी शादी की उम्र नहीं रही, बस और कुछ। बरसों पहले मैं तुमसे शादी की बात करता था तो तुम कहते थे कि मेरी शादी की उम्र नहीं हुई, और अब कहते हो कि शादी की उम्र नहीं रही। दादा तुम ही, दादा अगर मेरे नसीब में होगी तो मिलेगी। दादा तुम अपने दो दो बच्चों की फिक्र करो, इस छोटे से मोटे से बच्चे की क्यों फिक्र करते हो? तुम्हें कुछ जाने ना बूझे ना दादा। उरी बाबा, बाबा। तुम आओ और मैंने तुम्हारे लिए सारा घर छान मारा। मैं तुम्हें एक जोक सुनाना चाहता हूं। मन नहीं है काका, फिर कभी? नहीं अभी। ठीक है सुनाइए। शर्त ये है, हंसना होगा। काका प्लीज। ना प्लीज से काम नहीं चलेगा, याद रखना है बरसों बाद इस घर में मेरे रिश्ते की बात चली, ये किसी जोक से कम है क्या? जरा सोचो हेम, मेरे ब्याह में मेरे दुल्हन के घर में मेरे साइज के पीड़े नहीं मिले तो ब्याह की कोरे होबे? और इस छोटे से मानुष को उठाने के लिए और बिठाने के लिए इतने सारे मानुष नहीं मिले तो? ये हुई ना बात। हाँ हाँ, हंसते में तुम कितनी अच्छी लगती हो हेम। अलग अलग रंगों से काम लेकर सुंदर सी पेंटिंग बनाने वाली लड़की हो तुम,
लेकिन खुद बेरंग बनकर तुम्हें क्या मिलता है? देखो, ये जिंदगी एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह है, इसमें रंग भरो, इसे सजाओ, वही तो जिंदगी की असली कामयाबी। जीवन पेंटिंग की तरह सजाना तो चाहती हूँ, पर क्या करूं, मेरे रंग मेरे पास है ही नहीं। समझ गया, तुम्हारा रंग यानी रमेश। अरे भाई, हम लोग इस कमरे में बैठे बैठे बातें करते रहेंगे, चलो क्लब चलते हैं। क्लब? अभी इस समय? अरे भाई, शादी के बाद चलेंगे क्या? देखो भाई, सही बात बोलता हूँ, शादी के बाद मैं और मेरी बीबी जाएंगे, किसी और को नहीं ले जाऊंगा मैं, इसलिए चलो क्लब, गर्मा गर्म पकौड़े खाते और गरम गरम कॉफी पिएंगे, समझी? ठीक, आओ चलो। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम कमला को उसकी सच्चाई और हेम से अपनी सच्चाई नहीं बता देते। ये कमला कहाँ चली गई? कहीं मुझसे नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई? मेरी पत्नी कमला को देखा है कहीं? कल नजर आई थी, आज नहीं देखा मैंने उसे। तुम नहीं जानते हो जोगिन की, मैं हेम की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, कितना मान देता हूँ उसे, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उसकी। मैं उसे उदास नहीं देख सकता, उसे उदास देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। समझाया उसको, लेकिन कब तक? एक वो है जो रोमिश रोमिश करती रहती है। जोगिन, मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं जानता हूँ अच्छे, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, आखिर एक अच्छे दोस्त हो तुम मेरे, और मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व है। कई बार दिल ने चाहा कि मैं खुद जाकर आनंद सर से बात करूं, ने रिश्ते की बात करूं और हेम का हाथ मांग लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जानते हो योगिन, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर इस दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा किसी को माना है तो वो तुम हो, तुम्हें अपना दोस्त माना है मैंने, अब ये तुम पर ही निर्भर है। अगर तुमको मेरे अंदर थोड़ी भी काबिलियत नजर आती है तो तुम हमारे रिश्ते की बात आनंद सर से करो। फिक्र मत करो, मैं बाबा से फुर्सत में बात करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि बाबा भी इनकार नहीं करेंगे। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि आनंद सर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा यकीन करो योगिन, मैं हेम की खुशियों के लिए ही रमेश को ढूंढ रहा हूँ। मेरे दिल में रमेश के लिए उतनी इज्जत है जितनी खुद के लिए। वो तो खुद मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि तुम कितनी कोशिशें कर रहे हो रमेश के लिए। मेरे ऊपर वाले से यही विनती है कि रमेश मिल जाए ताकि हेम को खुशियाँ मिल जाए, क्योंकि हेम की खुशी में मेरी खुशी है। रमेश मिल जाएगा, उसके बाद आनंद सर की मर्जी, हेम की मर्जी, मैं उनके हर फैसले में खुश हूँ। फैसला तुम्हारे हक में ही होगा अक्षय, यकीन करो मेरा। बस बाबा की तबीयत ठीक हो जाने दो, हम सब चलेंगे बात करने। मैं बाबा को फोन करके आता हूँ। ठीक है।
आर्यन, कमला यहाँ पर आई क्या? यहाँ? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं घर गया था और घर लॉक है। मैं उसको काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, वो ऐसे कहीं जाती नहीं है, लेकिन अचानक कहीं तुम्हारे उसके साथ कोई तू मैं तो नहीं हुई ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, पर वो मुझसे नाराज जरूर थी। कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई? मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। एक बात कहूँ रमेश, बुरा मत मानना, जब तक तुम सच को छुपाते रहोगे इसी तरह उलझे उलझे परेशान से रहोगे। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम कमला को उसकी सच्चाई और हेम से अपनी सच्चाई नहीं बता देते। देखो रमेश, मेरी बात मानो, इस परेशानी से उबरने के लिए तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। हो सकता है कमला घर छोड़कर नहीं गई हो, लेकिन ये सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो एक ना एक दिन वो घर छोड़कर जरूर चली जाएगी, क्योंकि वो नहीं जानती कि तुम उसके पति नहीं हो। और एक दिन यही राज सारे फसाद की जड़ बन जाएगी। रमेश, ये राज ही सारे फसाद की जड़ बन गया है। तुम्हें पता है अक्षय, मैं और बॉडी बचपन से लड़ते हुए आ रहे हैं और हमारे बीच काफी आर्गुमेंट्स भी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी मुझे बहुत चाहती है। अरे, हमने हेम की बात की और हेम आ गई। अरे वाह, काका भी साथ है, अब तो मजा आएगा। मुझे लगता है कि हेम से बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यू आर राइट अक्षय, मैं बात करके आता हूँ, तुम बाद में आना। अरे काका, क्या बात है, आज अचानक क्लब? बस आज दिल किया कि आज क्लब में चलकर बैठा जाए। गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, चाट, ऊपर से कॉफी का साथ, फिर क्या है बात। आओ तुम भी बैठ जाओ, दे दो हमारा साथ। मैं अक्षय के साथ हूँ। बॉडी, अब मूड कैसा है तुम्हारा? I'm fine. तो कुछ बात कर ले। क्यों, क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की देखी है? अरे नहीं काका, मेरे लिए तो लड़की मिल ही जाएगी, लेकिन सबसे पहले बॉडी के लिए ढूंढना है। काका, आप मुझे इसकी बकवास सुनने के लिए यहाँ लाए हैं? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था कि जोगिन भी यहाँ पर है। जोगिन, एटा चौल बेना, घर की बातें घर में ही अच्छी लगती हैं, बाहर नहीं। काका, अगर मैंने यहाँ बात छेड़ दी है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? छोटा दादा हूं मैं इसका, तो क्या मुझे इसकी चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है? ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो वो बोलो, मुद्दे पे आओ। काका, मैं चाहता हूँ कि बॉडी रमेश को भूल के अक्षय से ब्याह कर ले। काका, इससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। बॉडी, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, आखिर अक्षय में बुरा ही क्या है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती जोगिन, क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो तुम? वाह, एक दादा अपनी बहन के ब्याह के बारे में बात कर रहा है और वो उसे मेंटल टॉर्चर कर रहा है। नमस्ते काका। हाय। हाय। चाय कॉफी कुछ मंगवाओ? थैंक्स, हम खुद ले लेंगे। हेम, यहाँ सारे अपने ही लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे कुछ कहना था तुमसे। वो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बॉडी, अक्षय ब्याह करना चाहता है तुमसे, हम बाबा को राजी कर लेंगे। बाबा राजी हो या सारी दुनिया, मैं राजी नहीं हूं, बस। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा बॉडी? काका, मैं जा रही हूं।
अरे सुनो बॉडी, रुको बॉडी, हेम हेम छोटा दादा हूं मैं इसका, तो क्या मुझे इसकी चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है? मैं चाहता हूं कि बॉडी रमेश को भूल के अक्षय से ब्याह कर ले। आखिर अक्षय में बुराई क्या है? तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम बाबा को राजी कर लेंगे। बाबा राजी, ये सारी दुनिया, मैं राजी नहीं हूं। चोट तो नहीं लगी? अरे बाबा, एक्सीडेंट करके पूछते, कहीं चोट तो नहीं लगी? पैसा उसूल कीजिए, जाने मत दीजिए। मैं तो कहता हूँ लाइसेंस रख लीजिए। अरे अरे, आप लोग इन पर क्यों नाराज हो रहे हैं? इनकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी। मैं ही गाड़ी को ठीक तरीके से देख नहीं पाई। कमला, ये तो कमाल हो गया। मैं आप दोनों को घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कमला, जब ये कह रही है घर छोड़ देगी तो छोड़ देगी ना, है? चलो घर चलते हैं। आइए चलिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गई कहाँ? अरे कितनी देर हो गई है। मेरा दिल कह रहा है कि कहीं आसपास ही गई है, आ जाएगी। जोगिन, तुम अपने तरीके से हेम को थोड़ा समझाओ, उसको कहो कि अक्षय से शादी कर ले, इसमें हम सबकी भलाई। यही बात तो उसके समझ में नहीं आ रही है। यकीन करो योगी, मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी की चिंता है तो वो आनंदो सर की। आई नो अक्षय, मैं समझाऊंगा बॉडी को, बल्कि आज ही मैं काका और बाबा को लेकर इस बात पे चर्चा जरूर करूंगा। क्या बदतमीजी है बॉडी? तुम्हारे मुझसे जितने भी शब्द निकल रहे हैं ना, वो सारे के सारे अक्षय के। और तुम ही क्या, कोई भी मुझे इस ब्याह के लिए मजबूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, याद रखना।